हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज नैना। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाफ नेट की साड़ी, हाफ नेट और हाफ फैब्रिक जो होता है क्लोथ, उस वो साड़ी कैसे पहनते हैं, जो कि मैंने अभी पहन रखी है, इसी को मैं बताने वाली हूँ कि कैसे पहनते हैं। तो वो भी अलग वे में, कुछ डिफरेंट बताने वाली हूँ, एकदम टाइट फिटिंग की आप साड़ी कैसे पहन सकते हो, कोई भी फंक्शन में, कोई भी पार्टी में आप इसे कैरी कर सकते हो। उनके पास में वो टाइट फिटिंग वाला जो पेटीकोट होता है वो नहीं है, तो उसके बावजूद भी आप एकदम इंस्टेंटली 5-10 मिनट्स में आप साड़ी पहन सकते हो। जो भी बिगनर्स है वो इजीली साड़ी पहन सकता है, कैसे कैरी करते हैं ये वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स करते हैं स्टार्ट। मैंने एक स्पेगेटी ले ली है और ऑलरेडी मैंने पेटीकोट पहन रखा है, तो जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ। स्पेगेटी हमें डालना है और उसे पहन लेना है, देन उसके बाद में उसके जो कान होते हैं वो हमें पेटीकोट के अंदर डाल लेना, नहीं तो वो बाहर दिखाई देंगे। तो इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो वियर ट्रिक है, ये आप अगर ये ट्रिक यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी टाइट फिटिंग की साड़ी आप पहन सकते हैं। जैसी बेसिक साड़ी लपेटते हैं वैसे मैंने लपेट ली है, आप मेरा अदर वीडियोस चेकआउट कर लेना। देन उसके बाद में मैं पल्लू प्लीट्स बना रही हूँ। ये नेट की साड़ी है तो हाफ नेट और हाफ फैब्रिक है, तो नेट में जो पल्लू बनाने की प्रोसेस होती है बहुत ही ज़्यादा लेंदी होती है, बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, पल्लू ईजीली नहीं बन पाता है पल्लू। तो मैं वन बाय वन उसकी प्लेट्स एक के ऊपर एक रखते जा रही हूँ और पल्लू प्लेट्स मैं बना रही हूँ। आप देख रहे होंगे थोड़ा हार्ड होता है ये प्लेट्स बनाने में, जल्दी से सेट भी नहीं हो पाती, और अगर सेट भी हो गई तो वो एक साथ एक लाइन में नहीं रह पाती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपको अगर प्लीट्स बनाना सीखना है तो मेरे अदर वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत इजीली बताया है। इसमें मैंने इतना इजीली नहीं बताया, इतना फास्ट नहीं बताया है कि कैसे पल्लू प्लीट्स बनाते हैं। तो अब पल्लू प्लीट्स बन गई है मेरी ऑलरेडी, अब मैं उसे अच्छे से सेट कर ले रही हूँ वन बाय वन, ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो वो बाहर साइड से बाहर ना निकले और साड़ी दिखने में भी अच्छी लगे। जब एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल जाता है तो वो पल्लू ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैंने अच्छे से पल्लू सेट कर ली है और अभी मैं इसे पिनअप कर ले रही हूँ। जो आप मैंने आपको वियर ट्रिक बताई है एक स्पेगेटी यूज़ करके उसे कैसे फिटिंग की साड़ी बनाना है, अगर आपके पास में वो टाइट फिटिंग वाला पेटीकोट अगर नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सक करके एकदम टाइट फिटिंग की साड़ी पहन सकते हैं। देन अभी जो साड़ी का कपड़ा है मैंने ले लिया और इतना हमें इसे छोड़ देना है और यहाँ पे टक कर लेना है। देन उसके बाद में हमें फ्रंट प्लीट्स बनाना है, तो अभी मैं फ्रंट प्लीट्स बनाना स्टार्ट कर दी है और आप देख रहे होंगे टू फिंगर्स और थंब की हेल्प से मैं फ्रंट प्लीट्स बना रही हूँ। ये प्लीट्स बनाने का एकदम इजी तरीका है, अगर आप न्यू हो साड़ी पहनना अगर नहीं आता आपको तो आप इसे जल्दी से जल्दी बनाना सीख सकते हैं कैसे फ्रंट प्लीट्स बनाते हैं और ऐसे ही पल्लू प्लीट्स भी बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने पूरी प्लीट्स बना ली है अभी। देन अब मैं उसे अच्छे से वन बाय वन सेट कर रही हूँ और हमें अच्छे से झटक झटक के पल्लू की जो प्लीट्स है वो बनाना होता है और अच्छे से सेट करना होता है। ये थोड़ा जो फैब्रिक है साड़ी का वो थोड़ा ठीक है, तो प्लीट्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है और नेट का होने की वजह से उसमें भी बहुत प्रॉब्लम जा रही है। देन अभी मैंने पूरी प्लीट्स बना ली है और जो नावेल है उसके सेंटर में इसे टक कर लेना है पूरी प्लीट्स, और वो जो बाजू से कपड़ा निकला है तो उसे हमें क्या करना है, दूसरे साइड का जो नेट का फैब्रिक है वो लेके हमें दूसरी तरफ उसे निकाल लेना है और देन उसके बाद में उसे ट्विस्ट करके टकिंग करना है। आप अच्छे से देखना देखो इसे, और ये अगर ऐसी ट्रिक का यूज़ करके हम अगर साड़ी पहनते तो हमारी साड़ी एकदम फिटिंग की बनती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। देन अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो जाता है वो मैंने अच्छे से टकिंग कर लिया है, आप देख रहे होंगे कि साइड से साड़ी की अच्छी फिटिंग की लग रही है। और अब इसे पिनअप कर लेना है। पिनअप अगर हम करते हैं साड़ी को तो हमारी साड़ी नहीं छूटती है,
और अच्छे से सेट रहती है। हम अगर साड़ी पिनअप करते हैं तो अब अच्छे से अगर जहाँ से भी मेस अगर हमें साड़ी लगती है तो हमें अच्छे से फिट कर लेना। आप देख रहे होंगे कि कितनी अच्छी नेट की साड़ी होने के बावजूद भी कितनी अच्छी तरह वो फिटिंग की आई है। फ्रेंड्स साड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो जो उसकी जो बॉर्डर है बहुत छोटी है और उसकी वजह से वो साड़ी जमा हो रही है, इस वजह से वो थोड़ी पल्लू उसका अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप साइड से देख रहे होंगे कि साड़ी फिटिंग में कितनी अच्छी तरह आई है। और आप इस ट्रिक का यूज़ करके आप कोई भी साड़ी अच्छे से पहन सकते हैं, नेट की हो या फिर शिफॉन हो या फिर कॉटन हो, आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी साड़ी आप पहन सकते हैं। आप देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप न्यू हो, साड़ी पहनना नहीं आता है, तो आप मेरे अदर वीडियोस चेक कर सकते हो। जो आपके पास अगर टाइट फिटिंग का पेटीकोट नहीं है तो आप स्पेगेटी का यूज़ कर सकते हो। स्पेगेटी तो हमें इजीली अवेलेबल रहती है हमारे पास में, अभी तो हम डेली यूज़ में भी स्पेगेटी का यूज़ कर लेते हैं। तो अगर स्पेगेटी आप यूज़ करके, इस ट्रिक का यूज़ करके आप अगर साड़ी पहनोगे तो एकदम टाइट फिटिंग की साड़ी आएंगी और दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप देख ही रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप कमेंट्स जरूर करना और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना। लेकिन ये जो वेयर ट्रिक मैंने आपको बताई इसे आप ट्राई करना, और अगर आप ट्राई करते हैं तो अच्छे लगो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स जरूर करना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दबाना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।